जाइंट मैंगो स्विमिंग पूल। एक गांव में लोग मैंगो खाना बहुत पसंद करते थे, इस वजह से वहां कचरे से ज्यादा आम की गुठलियां ही होती थी। पूरे गांव में रोज कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 500 आम की गुठलियां मिलती थी। वहां दो भाई राकेश और मुन्ना भी रहते थे। वो अलग अलग जगह से कचरा उठाने का काम करते हैं। दोनों भाई कचरा गाड़ी में कचरा उठाते हैं, कुछ छोटी गलियों में पैदल चलकर भी कचरा उठाते हैं और कुछ कचरा गाड़ी में सब कचरा डालकर गांव से दूर डालने के लिए चले जाते हैं। एक दिन राकेश पार्क के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके पार्क से कचरा जमा कर रहा था, तब पास में बैठे एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे स्विमिंग पूल जाना है। बेटा अपनी तो गांव में कोई पूल ही नहीं है। पर मैं जाना चाहता हूँ। जब हम नानी के घर जाएंगे तब स्विमिंग पूल चल लेंगे। नहीं मम्मी मुझे जाना है, मेरे दोस्तों ने भी जाना है, आप हमारे लिए यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनवा देना। नहीं बेटा, बहुत पैसे लगते हैं पूल बनवाने के, ऐसे जिद नहीं करते, चलो अब घर चलो। पास खड़ा राकेश इसकी बात सुन रहा होता है। वो सोचता है कि अगर अपने गांव में भी स्विमिंग पूल होता तो कितना अच्छा होता, बच्चे भी खुश रहते और कमाई भी अच्छी होती। शाम को वो घर चला जाता है और वहाँ उसका भाई मुन्ना बैठा होता है। वो मुन्ना को बच्चे की स्विमिंग पूल वाली बात बताता है। ठीक है, तेरी बात तो मैंने सुन ली, पर तेरी शक्ल देखकर ऐसे लग रहा है तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हाँ तुझे सही लग रहा है, चल तो कुछ और ही रहा है। तू बता भाई फिर क्या चल रहा है, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं, अच्छी कमाई हो जाएगी। क्या खाया तूने, होश में तो है? हम कचरा उठाते हैं और कहाँ से पूल बनाने की बात कर रहा है, क्या ख्याली पुलाव बना रहा है तू? ख्याली पुलाव की क्या बात है, अगर तू सोचेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। चल ठीक है तू सोच, मैं सोता हूँ। एक दिन राकेश दुकान से कचरा उठा रहा होता है, वहाँ टीवी चल रहा होता है। राकेश उसमें एक स्विमिंग पूल वाला सीन देख लेता है। स्विमिंग पूल सच में कमाल होता है, इसे कहते हैं स्विमिंग पूल। वो आगे कचरा उठाने चला जाता है, कचरा उठाते वक्त वहाँ उसे साबित आम मिलता है। उसे देखकर उसे ख्याल आता है कि क्यों ना जाइंट मैंगो स्विमिंग पूल बनाया जाए, कैसा रहेगा। अपना काम करके घर जाता है और थोड़ी देर में मुन्ना भी आ जाता है। मुन्ना मुझे एक आइडिया आया है। बता फिर। मैं सोच रहा था अगर एक जाइंट स्विमिंग पूल बनाया जाए, तुम्हें तो पता है ना गांव वालों को आम कितने पसंद है, अगर हम मैंगो की शक्ल का कोई पूल बनाए तो वो कितना खूबसूरत और अच्छा लगेगा, बहुत कमाई होगी, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। पागल हो गया तू, आजकल कैसी कैसी बातें करता है, चल डॉक्टर के पास, लगता है तेरे भेजे का मीटर खराब हो गया है। तू कहीं सैनिटाइजर तो नहीं पी लिया, दिमाग हिल गया है तेरा। नहीं भाई सुन तो सही। क्या सुनूं, इतना छोटा मैंगो और पूल कैसे बनाएगा, पूल तो बहुत बड़ा होता है, लोग नहाते हैं उसमें। हाँ पता है मुझे, बहुत बड़ा होता है स्विमिंग पूल। तुम मेरी बात तो सुन, हम रोज कचरा उठाते हैं तो हम रोज कचरे से दीवार बनाएंगे मजबूत, फिर उस पर मैंगो कलर कर देंगे और उसके अंदर पानी भर देंगे। ठीक है तेरे कहने पर करके देख लेते हैं। अगले दिन से राकेश और मुन्ना रोज कचरा उठाते हैं, तब आम की गुठलियों को अलग अलग करके इकट्ठा करते रहते हैं और बाकी कचरा शहर से दूर फेंक देते हैं। राकेश और मुन्ना दोनों मिलकर अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल बनाना शुरू करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका स्विमिंग पूल बहुत बड़ा आकार ले लेता है। देखो बन गया ना मजबूत दीवार की जैसा, अब इसमें पानी भरना बाकी है। हाँ इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी तो लगानी पड़ेगी। राकेश और मुन्ना बाजार से एक सीढ़ी लाकर लगाते हैं, उसमें पानी भी भरते हैं, वहाँ बाहर बोर्ड लगाते हैं और उस पर लिखा होता है जाइंट मैंगो स्विमिंग पूल। पास से गुजरते हुए कुछ लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एक आदमी पूछता है, अरे ये बड़ा मैंगो जैसा क्या है भाई, ये मैंगो वाला स्विमिंग पूल है।
उस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कई लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं और वो मैंगो वाले स्विमिंग पूल में खूब मजे करते हैं। दोनों भाइयों का मैंगो वाले स्विमिंग पूल की वजह से पूरे गांव में नाम हो जाता है। दोनों खूब पैसा कमाते हैं।